नमस्कार। गुजरात चुनावों को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। अगर हम देखें आरोप प्रत्यारोप तेजी से हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से देखी जा रही हैं और इक्वेशंस भी बदल रही हैं। हम गुजरात के प्रमुख शहरों का रुख कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में जा रहे हैं जमीनी हकीकत को देखने के लिए और मूड को एनालाइज करने के लिए। अहमदाबाद से अब हम सानंद पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे आपका हम परिचय कराते हैं जो आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं कमा भाई राठौर जो कि पूर्व एमएलए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमर सिंह सोलंकी। इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए हमारे साथ धनपत मालू हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शिरीष काशीगर जी। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और शहर के कई खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिसमें कारोबारी भी हैं, आम लोग भी हैं। हम आपके पास भी आएंगे, आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं, तो आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, आप प्लीज़ एक एक करके उसको रखिएगा। धन्यवाद। आइए अब चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप ही के पास आना चाहेंगे, आप बता सके तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। 20 साल से ज़्यादा 22 साल हो गए हैं सत्ता में, इस बार क्या मशक्कत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है? कैसा मूड लग रहा है? पिछले चुनावों से ये चुनाव कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है? पहले तो जी न्यूज़ की ओर से समग्र सानंद विधानसभा, अहमदाबाद जिला और समग्र गुजरात की जनता को नूतन वर्ष के बाद ऐसे कार्यक्रम में पहले आया हूँ, इसलिए सबको नूतन वर्ष की शुभकामनाएं पाठवता हूँ, हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। आई नो गुजराती या हिंदी? हिंदी में हम चाहेंगे क्योंकि नेटवर्क हिंदी है, तो हिंदी में बात रखें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें आपका क्वेश्चन का साफ सुथरा अर्थ में आप नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। अगली बार सेंट्रल में भी नरेंद्र भाई मोदी का वटपन वाली एनडीए की सरकार है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है। जितना मांगो वितना ग्रांट का पैसा सेंट्रल में से गुजरात को मिल रहा है और अभी तक जो सीटें नहीं आई थी इतनी सीटें यानी कि 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। इस बार के चुनाव मोदी जी अब जिस तरह से केंद्र में पीएम हैं उनके बिना जिस तरह से हो रहे हैं, स्टेट में किस तरह का, स्टेट बीजेपी यूनिट में कैसी तैयारियां हैं, क्या चल रहा है, क्या फेस है, क्या लोकल मुद्दे हैं या किस तरह का इस बार हवा लग रही है आपको? स्टेट बीजेपी का चुनावी माहौल की बात करें तो मैं थोड़ा छोटा कार्य करता हूं, लेकिन पूरी तैयारियां के साथ भाजपा ये चुनाव में आ रही है। पेज प्रमुख का सम्मेलन हो गया है, सभी पेज प्रमुखों को एक एक पेज का जिम्मा दे दिया है और इसी के हिसाब से हम 150 से ज़्यादा सीट लेने वाले हैं। जी, आपके पास अब हम लौट कर आते हैं और इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इसमें और कई पहलू हैं। आप बता सकें सर हमें आपका क्या असेसमेंट है, आप इस समय माहौल को किस तरह से देख रहे हैं, कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं? इस समय गुजरात की आने वाली चुनाव का माहौल, गुजरात की जनता को आप टीवी में, प्रिंट मीडिया में, गांव में जाके, रोड रास्ता पे जाके देख रहे हैं कि सभी का मूड यह है कि पिछले 22 साल में चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को अच्छी तरह सुना नहीं है, किसानों का प्रश्नों का निकाल नहीं किया है, इधर मजदूर दुखी है, न किसानों को पानी दिया गया है और सभी तरह के वर्गों को अपना अपनी मांग लेकर के आंदोलन करना पड़ा है और उसी आंदोलन की वजह से कहीं सरकार ने गोलियां छोड़ी है, कहीं लाठियां किसानों पे, कहीं विद्यार्थियों पे लगाई है और जनता को खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दुखी कर दी है। आपको क्या लग रहा है इस बार प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग होगी? गुजरात की जनता का प्रमुख मुद्दा यह है कि हर एक विस्तार में अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग डिमांड है, लेकिन जो बात ये भारतीय जनता पार्टी विकास की कर रही है जी, और पूरी जनता गुजरात की कह रही है कि विकास पागल हो गया है, इसलिए पागल की जो लोग जो मांगते हैं वो नहीं मिलता है। सुबह में उठ के वो टीवी में देखेगा, न्यूज़पेपर में देखेगा तो
तो हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो आएगा और इतना ये दे दिया, इतना ये दे दिया, सिर्फ जाहिरात खात मुहूर्त करके सभी को खुश कर रहे हैं। जी धन्यवाद ये ओपनिंग कमेंट के लिए। इसमें कई पहलू हैं, हम आपके पास आएंगे, बस सिर्फ ओपनिंग कमेंट ले रहे हैं देखने के लिए इनका मूड क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर तमाम मुद्दों को एक एक कर उनकी गहराई में डेप्थ में जाएंगे। आप बताइए अब इंडस्ट्री का क्या नजरिया है, क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं जीएसटी के बाद, जो कि देश में सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म में शुमार रहा है, जिसमें पूरी कंट्री को एक कॉमन मार्केट बनाया गया, जिसका सीधा असर कारोबारियों पर रहा, कारोबारियों में कुछ नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल की तरफ से कदम उठाए गए। आप कैसे देखते हैं नोटबंदी, जीएसटी, कारोबारियों पर सीधा इम्पैक्ट, और गुजरात में कारोबारियों का एक बड़ा बेस है, गढ़ है व्यापारियों का, कारोबारियों का, बताइए। बिल्कुल, कोई भी सिस्टम देश में जब नया आता है तो समस्याएं तो आती है, पक्ष या नए पक्ष की बातें नहीं करेंगे, हम लोग सिटीजन ऑफ कंट्री हैं, यहां बैठा हर आदमी चाहता है कि मेरा देश सबसे बढ़िया देश बने, किसी भी पक्ष का कोई भी पॉलिसीज आती है उसमें स्ट्रगल तो हम लोगों को करना है, एज ए इंडस्ट्री हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चेंज भी देखने मिल रहा है। और मैं यहां बैठे सबसे यही करूंगा कि सरकार जिसकी भी हो, सरकार किसी की भी आए, सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं, हमें हमारा वोट जो है ना उसका यूज करना चाहिए और ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो हमेशा प्रगतिशील हो, हमें ये सब मुद्दों पे नहीं जाना। और जो समस्याएं कोई नए सिस्टम में आती है उसको स्टेप बाय स्टेप हर सरकार करेगी, नहीं करेगी तो अपने आप ही चली जाएगी। जी सर, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, ये कास्ट में ओबीसी दलित पाटीदार ये रहेगा, ये जो जिस तरह से कांग्रेस उन पर भी बैन कर रही है उसमें कई उसमें इश्यूज हैं, या दूसरी तरफ डेवलपमेंट होगा, ये इकोनॉमिकल मुद्दे होंगे, गुजरात मॉडल की बात होती थी लेकिन इस बार ये जो तमाम इकोनॉमिक फ्रंट पर कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या लोगों के जहन में है, मन में क्या है, जो आप वोटिंग करने जाएंगे तो बैकड्रॉप में क्या होगा? देखिए, दो चीज़ें इसमें उभर कर आई हैं। पहली बात यह है कि पिछले 22 साल से बीजेपी यहाँ सत्ता में है, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो वादे किए इतने सालों में, तीन बार सरकारें बनी, नरेंद्र भाई काफ़ी लंबा समय यहाँ सीएम रहे, तो कई सारी बातें की गई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें से कई सारी चीज़ें अभी भी ऐसी होंगी जो शायद नहीं हुई है, उन चीज़ों को भुनाकर उसका जो पॉलिटिकल एडवांटेज है वो लेने की कांग्रेस पूरा कोशिश कर रही है, और एक विरोध पक्ष के तौर पर वो उसका काम है कि वो इस काम को बखूबी अंजाम दे। पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपने जो ओबीसी और ये जो पाटीदार वाला सवाल किया है, बीजेपी नैरेटिव खड़ा करना चाहती है विकास के ऊपर, जो कि वो पहले से कह रहे हैं, और उसी के ऊपर उस बात को फोकस करना चाहते हैं। हालांकि अभी कुछ पिछले हफ्ते में जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से थोड़ा फोकस चेंज हुआ है, पर बीजेपी चाहती है कि उसका फोकस जो है वो विकास पर बना रहे, और कांग्रेस ये चाहती है कि वो जो मुद्दे लाना चाहती है, खास करके अभी उन्होंने इन तीन लोगों को ऑफर करके अपनी ओर लाने की जो कोशिश की है जो तीन युवा नेता हैं उनको, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पूरी राजनीति और ये पूरा पॉलिटिकल माहौल जो है वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म की ओर जाएगा ही जाएगा। जी, अब थोड़ी और पहलुओं को हम खोलते हैं। सर, आप बता सकें, अहमद पटेल पर काफ़ी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखेंगे? सीएम कह रहे हैं उनको रिजाइन भी करना चाहिए, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उस पर आपका क्या कहना है और आप क्या जनता को कहना चाहते हैं उस पर? अभी जो आरोप लगाया गया है वो एकदम बेबुनियाद है। जिस हॉस्पिटल को अहमद जी ने बना के गुजरात को अर्पण किया है, उसी प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति जी भी थे और गुजरात के नामांकित सभी राजकीय पक्षों के लगभग आगेवान थे, उसमें से इस्तीफा दिया है, उनके घर का एक भी व्यक्ति उस हॉस्पिटल के ट्रस्ट में भी नहीं है, तब भी किसी को यदि डाउटफुल के कारण पकड़ा गया है तो अभी तो सच्चा झूठा बाद की बात है, तब भी अहमद जी को बताया गया है कि आतंकवादी हो इनकी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं। चुनावों में ये क्या, इसको आप देखेंगे? भाजपा की फिर से साजिद है, बाकी यदि किसी हॉस्पिटल में होता तो ये लोग ये नहीं उठा रहे। मैं बताता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है उसमें जो कर्मी भर्ती किया गया था, मैं आपको पहले पार्षद में ले जाता हूं कि एक गृहिणी जब अपने बर्तन के लिए मिट्टी का बर्तन खरीदती है तो पूरा टकोरा मार के लेती है। एक हॉस्पिटल में, एक इंडस्ट्री में जो भर्ती किया जाता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, हमारी जो सगाई साफ सुथरा संबंध किया जाता है तो उसमें भी उसका लोही कौन सा है, उसका संबंध कहाँ है, उसका गांव कहाँ है, उसका जिला कहाँ है, उसका स्टेट कहाँ है, वो सब चेक किया जाता है। तो इतने बड़े आदमी वो ट्रस्ट में शामिल था और इतना बड़ा आतंकवादी को भर्ती किया गया, तो आक्षेप ना हो तो क्या हो? चलिए, ये इस पॉइंट पर अब हम अलग अलग पॉइंट्स खोलते चले जाते हैं। आप भी बताइए, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे 150 सीट्स,
आप इतने आश्वस्त हैं, मतलब आपको लग रहा है इस बार फिर 20 साल 22 साल के बाद भी 150 प्लस मिलने वाली है। अमर सिंह भाई ने बोला विकास की बात, जी न्यूज ये गुजराती चैनल आज से 40-50 दिन पहले हमारे सानंद में आई थी, तो उसी दिन हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बोला था कि ये सानंद बावला वाला रोड नहीं हुआ है। आज आपने देखा होगा कि ये रोड का काम शुरू हो गया, काम पूरा 3-4-5 दिन में होने वाला है। ये विकास नहीं है तो क्या है? आप ये पूरी सोसाइटी में दो करोड़ अड़तीस लाख रुपए ये सोसाइटियों के 26 सोसाइटियों के रस्तों के लिए दिया गया, पानी के लिए दिया गया, पानी के लिए पैसा दिया गया है। सारे सानंद तहसील में करीबन 59 करोड़ रुपीज ये पानी के लिए दिया गया है, शिक्षाओं के लिए दिया गया है। जी, आप ये बताइए, पैसा दिया गया, ये काम हुआ? और हम बोलते हैं कि हम राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ेंगे, हम जातिवाद पे नहीं जाएंगे। ये जातिवाद वाला, ये जिसका फादर मुख्यमंत्री था, आज वो प्रदेश अध्यक्ष है भरत सिंह जी सोलंकी, वो गुजरात को खाम थियरी पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन गुजरात की जनता अब खाम थियरी पे नहीं जाने वाली है। जो केस की बात कर रहे हैं, तो 1950 में यानी माधव सिंह जी की सरकार थी, चिमन भाई की सरकार थी, तब किसको किस किसानों पे गोलियां चलाई थी? किसकी समाधियां अभी साबरकांठा में किसानों की जल रही है, वहां समाधियां किसकी वहां है? चलिए आप ये बताइए, गुजरात को पता है। ओके, पानी के लिए बिजली के लिए खेडूतों को आंदोलन करना पड़ता था। सर, अब ये हम बोलते हैं कि ये डार्क जोन किसने लगाया था सानंद बावला धोलका विस्तार में? डार्क जोन किसने हटाया? डार्क जोन माननीय नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, तब डार्क जोन हटाया था। अरे साहब, हम बोलते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि डार्क जोन हटाने के बाद ये सानंद तालुका तहसील में पूरे 400 से ज्यादा बहुत कनेक्शन मिले। एक मिनट, राठौर साहब, आपने बताया लंबे चौड़े काम हुए एलोकेशन में, बहुत खूब। आपने कहा 150 सीट्स भी आएंगी। अब ये आप ये बताइए, प्रधानमंत्री क्यों इतने दौरे यहां के कर रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं, 50 दौरे वो कह रहे हैं वो इलेक्शंस में करेंगे। साल जनवरी से अभी तक 10 बार आए, महीने में 3 बार आ चुके हैं। क्या उनको ग्राउंड पर क्या असेसमेंट है एज पीएम, वो इतने दौरे क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कुछ। प्रधानमंत्री है तो आते हैं, निमंत्रण देते हैं, बड़े बड़े विकास होते हैं तो आते हैं। उसका पर वो गुजरात नहीं है तो वो पीएम है, वो तो देश के और भी काम है उनके, तो देश आएंगे नहीं, देश की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भूतकाल में भूतकाल की कांग्रेस की सरकारों ने गुजरात को कुछ नहीं दिया था तो कौन प्रधानमंत्री आएगा? ये प्रधानमंत्री ने 3 सालों में करोड़ों रुपया दिया है, अब जो रुपया दिया है, खरबे रुपया दिया है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए और शिलान्यास करने के लिए तो आएंगे ना। एक मिनट, काशीगर साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। काशीगर साहब, आप बताइए, आप इस पहलू को किस तरह से देखेंगे? ये क्या बहुत बड़ा, मतलब चुनाव के नतीजे बहुत बड़े रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के लिए भी? मतलब क्योंकि उनका नीतियाँ जो हैं जिस तरह से हैं, या ओवरऑल उनका ये घरेलू मैदान है, होम टर्फ है, और वो चाहेंगे इसमें वो अच्छा परफॉर्म करें, इसको आप किस तरह से देखेंगे इस एंगल को? देखिए, चूंकि 22 साल से बीजेपी यहाँ सत्ता में है, तो बीजेपी के लिए भी ये जो चुनाव है वो अपने आप में एक चैलेंज है। और चूंकि नरेंद्र भाई यहाँ से दिल्ली गए हैं और ये उनका गढ़ माना जाता है बीजेपी, गुजरात जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो उसको टिकाए रखना उनके लिए चैलेंज है। और इस बार जिस प्रकार से कांग्रेस भी भरसक कोशिश कर रही है, राहुल गांधी का भी यहाँ बार बार आना और अलग अलग समुदाय के लोगों को मिलना और हर एक छोटे बड़े मुद्दे को उछालकर किसी भी प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी खड़ी करना, ये जो भिड़ंत लगी हुई है उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अगर 150 प्लस लाना चाहती है तो कांग्रेस भी वापस सत्ता में आना चाहती है, और दोनों के लिए प्रतिष्ठा का जंग है। दोनों में से कोई भी अगर हार जाता है तो ये उसके लिए आखिरी खेल होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। खास करके कांग्रेस के केस में तो है, क्योंकि 22 साल से वो सत्ता से दूर है, और इस बार भी अगर वो सत्ता में नहीं आ पाई तो बहुत ज्यादा दिक्कत है जो है वो खड़ी हो सकती है। जिस तरह से इस इलेक्शंस में वो आ रहे हैं और जो उनको रिस्पांस मिल रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपने उनके कुछ तेवर में बदलाव देखा है? क्या पहले की जो जिस तरह से इलेक्शंस में जाते थे और अब आ रहे हैं, कुछ आपने उसमें चेंज देखा? हाँ, चूंकि जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस भी इस बार किसी भी प्रकार से सत्ता में वापस आना चाहती है, तो उन्होंने सेंट्रल फोर्स, जैसे बीजेपी का सेंट्रल फोर्स नरेंद्र भाई है, उसी प्रकार से कांग्रेस ने अपना सेंट्रल फोर्स जो है या सेंट्रल फेस जो है वो राहुल गांधी को बनाया हुआ है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
तो इस चीज का एडवांटेज जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं लेना ओके सर आप कुछ कह रहे थे अब आप बताइए आप इसमें कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री के दौरों के बारे में या जी बताइए कह रहा था कि लास्ट डिबेट के बाद माननीय कवा भाई ने बोला कि रोड चालू हो गया तो सरकार की ऐसी कोई सिस्टम नहीं कि ये फोन कर दे रोड चालू हो जाता है इसका इसका मैं एक बात आप जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता इसका पहले टेंडरिंग होता है फिर वर्क ऑर्डर होता है फिर रोड का काम शुरू होता है यदि होता है तो ये सभी लोगों को पूछिए पिछले 4 साल से रोड की यही स्थिति थी तब क्यों नहीं हुआ आज क्यों हुआ दूसरी बात उन्होंने बताई कि डार्क जोन हमने निकाल दिया तो ये तो पूरा इरीगेशन विस्तार है लगभग 50% तालुका में पहले से फतेहवाड़ी कैनाल है और ये डार्क जोन पिछले 3 महीने पहले गुजरात सरकार ने इस विस्तार में से निकाला है जिसके वजह से कभी किसी को किसान को लाइट कनेक्शन मिलेगा यदि पहले था तो हमारे गांव में आज भी 50 कनेक्शन थे अभी है तो कहां से आए ओके आप इस पर रिप्लाई दे फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे फिर आपके पास आ रहे हैं आप अपने प्रश्न सुझाव रेडी रखिए इसको संक्षेप में रखिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार ले सके जी बताइए मैं एक मिनट लूंगा कि कांग्रेस वाले मित्रों बोलते हैं कि विकास ऐसा हुआ विकास ऐसा हुआ तो उसको 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 तय करना चाहिए कि टेंडरिंग हुआ है टेंडरिंग होने के बाद वर्क ऑर्डर मिला है तो वो क्यों झूठ प्रजा के समक्ष रख देता है अच्छा ये झूठ क्यों क्योंकि नवरात्रि के समय डामर के जो सपाटी है डामर की सपाटी ये नवरात्रि के त्योहारों में खुलती है चौमासा के दौरान खुलती नहीं है जी उसको मालूम था तो भी ये प्रश्न को प्रजा के समक्ष फेस करते हैं दूसरा डार्क जोन की बात करते हैं डार्क जोन 2010 में विधानसभा में जब मैं मेंबर था तब हटाया गया है ये 3 महीने पहले नहीं हटाया गया है 2010 में हटाया गया है आप तो हमें ये बताइए सर अब एक और पहलू इंपॉर्टेंट है उसको हम सुनना चाहेंगे जो पास के नेता है हार्दिक पटेल वो आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप अपना स्थिति जो है नवंबर 3 तारीख तक क्लियर कीजिए तो देंगे रिजर्वेशन पर आपका सेंड क्या है उसको आप क्लियर कीजिए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं वो तो देंगे तो इसलिए देखते हैं इनका क्या जी क्योंकि ये ईबीसी ओबीसी ईबीसी करके कांग्रेस ने ये सबको नचाया तो अभी वो हार्दिक पटेल भी अल्टीमेटम देगा और भी पटेल समाज देगा कि ये कांग्रेस ने हमको ऐसा चलिए अब कांग्रेस से देख लेते हैं उनको अल्टीमेटम दिया उनसे पूछते हैं बताइए हार्दिक पटेल ने अल्टीमेटम दिया है वो पहले ही उनकी मांग सरकार के सामने ये थी कि पटेल समाज को आरक्षण दिया जाए वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया पिछले 2 साल तक आंदोलन चला पूरे गुजरात के पटेल समाज की बहन दीकरी युवान बुढ़ा सब भी रोड पे आ गए तब सरकार ने इस आंदोलन को दमन करने के लिए गोलियां बरसाई लाठियां बरसाई अब वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कांग्रेस को कह रहे हैं कि यदि आप ये दे सकते हैं तो हम आपको समर्थन करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है बिना पार्टी को अंदर शामिल हुए इसलिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आगेवान सभी इस बंधारणीय बाबत को देखते हुए 2 दिन में इसका जवाब दे देंगे हाँ, क्लियर हो जाएगी मतलब उनके दौरे से पहले कैसे हो रहा है वो तो देखना ही पड़ेगा और वो देख के उनका जवाब दे दिया जी आपसे कई और पहलू हैं हम लौटेंगे एक आप हमें रिएक्शन इंडस्ट्री पर दे सकें फिर हम इसको खोलेंगे ये जीएसटी को लेकर काफी जमीन पर दिक्कत हो रही थी अभी क्या माहौल है इसमें क्या कारोबार करना पहले बहुत मुश्किल होता था उसी के लिए तो जीएसटी आया जीएसटी इसलिए लाया गया कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पर उसके बाद हमने देखा और लोगों को दिक्कतें हुई तो क्या एग्जैक्टली अभी सिचुएशन है और क्या इसको लेकर मैसेज मिल रहा है और क्या कहना चाहते हैं जीएसटी का मकसद तो यही है कि बिजनेस सरल होना चाहिए लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं फ्रॉम इंडस्ट्री व्यू सरकार के पास थोड़ी तैयारियां कम थी सरकार के पास थोड़ी प्रिपरेशन कम थी 3 महीने लगे हैं आने वाले बेसिकली जीएसटी का मतलब तो यही होना चाहिए कि सरलता आए अभी तक वो महसूस नहीं हो रही है लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे अभी इन्होंने क्लियर किया है आगे और क्लियर होगा व्यापारी तो यही चाहेगा जी जीएसटी के पर आएंगे आप भी सर इस पे बता सकेंगे पहले कांग्रेस का लेते हैं फिर हम आपके पास आ रहे हैं आप बताइए जीएसटी में क्या एग्जैक्टली दिक्कत आपको लग रहा है क्योंकि जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार या एक सरकार का नहीं है उसमें जीएसटी काउंसिल है जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी राज्यों के नुमाइंदे होते हैं और जीएसटी जुलाई 2017 में आया लेकिन 2007 से उसकी बात हो रही थी 10 साल के बाद आया तो उसमें क्या कमी पेशी क्या रह गई है क्या दिक्कत है जीएसटी लगाने में सरकार को पहले तो यह देखना चाहिए कि इसका रेशियो क्या है कहीं 100 रुपया में 28 रुपया जीएसटी होता है
पूरी दुनिया का अंदर जहां भी जीएसटी लगा है आप देख लीजिए, 2% होगा, 6% होगा, 10% होगा, 15% होगा, उससे ज़्यादा किसी भी देश में दुनिया में जीएसटी नहीं है। ये जब रातों रात लगाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हर महीने व्यापारी को रिटर्न भरने का, हर महीने इसका हिसाब देखने का, एक करियाना की दुकान वाले को रात ये मुद्दा है जीएसटी का, क्योंकि अभी जैसे अगर एक सेकंड हमने देखा रिटर्न की बात थी उसको उन्होंने महीने से कर दिया क्वार्टरली, कॉम्पोजिशन स्कीम थी उसका दायरा बढ़ाया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डेफर कर दिया, ई वे बिल डेफर कर दिया है, मतलब जो रिकमेंडेशन जा रही हैं वो काउंसिल उन पर विचार कर रहा है, तो इसमें भी क्या लग रहा है जी आपके पास मुश्किलियां खड़ी होती है उसके बारे में वो रिलीज कर रहे हैं, पहले से नहीं सोच रहा है कि ये मुश्किल होगी। जीएसटी हमारे मित्र अमर सिंह भाई ख्यातनाम एडवोकेट है, वो सारे जीएसटी के नियम ये समझते हैं, उसको मालूम होना चाहिए कि जीएसटी आपने बोला एक काउंसिल है, कोई भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं है, सभी राज्यों की सरकार, सभी केंद्र के सांसद, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद सब ने साथ मिलके वो पारित किया है, उसमें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी आ जाती है, हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी आ जाती है, मेघालय की कांग्रेस सरकार भी आ जाती है, सब ने ये अपनी अपनी असेंबली में पारित किया, तब ये जीएसटी काउंसिल बना तो और ये खरड़ा बना है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, माननीय नाना मंत्री जी जेटली जी ने बोला है कि दर 3 महीने उसका रिव्यू होगा, उसको जहां विटंबना होगी उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र भाई की वटपण वाली सरकार अवश्य करेगी। चलिए जीएसटी पर एक और कमेंट लेकर आपके पास ही आ रहे हैं, तो फिर जीएसटी को लेकर जो अभी हमने देखा सूरत में भी बैठक हुई थी व्यापारियों की, उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की बात कर रहे थे, आंदोलन की, लेकिन उसको लेकर काउंसिल ने उनको राहत देने की कोशिश की है, खासकर छोटे कारोबारियों को, जो उनका आक्रोश रहा जमीन पर छोटे कारोबारियों का, क्योंकि वो अकेले ही बहुत कुछ मैनेज करते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हुई, उनको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, चुनाव में क्या उनको संदेश दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम हुई है जो माइक्रो जो छोटी यूनिट्स हैं। पहले 3 महीने में जो काउंसिल की बैठक हुई उसमें उसका प्रश्न निपटाया गया है। आप बताइए हमें इसमें इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी जो है वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस की भी है, क्या वो जमीन की जो रियलिटी है उसको थोड़ा समझ रहे थे, क्या फीडबैक ऐसा आ रहा था कि थोड़ा अनीज है, जमीन पर दिक्कत हो रही है, और वो ये बताने की और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसमें कांग्रेस भी है और सभी है, इसको जीएसटी पर आपका एक राय और आपके पास आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, जब उन्होंने इस बात को एक सभा में स्वीकार किया तो ये बात जो है वो लोगों के सामने आई कि भाई इसमें दोनों पार्टियां जो हैं शामिल हैं, और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं सभी राज्यों की सरकारें भी शामिल हैं, तो ये मैसेज जो है उससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बताना चाहते थे कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो हल्ला ना मचाए, आप भी इस डिसीजन में कहीं ना कहीं शामिल हैं, और ख़ास करके जो सूरत के व्यापारियों में एक अनिश्चित था इस चीज़ को लेकर, छोटे व्यापारियों को लेकर, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कई सारे इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई, तो आने वाले दिनों में भी जब तक काउंसिल की मीटिंगें नहीं होगी और उनको सही मायने में फीडबैक नहीं मिलता है तब तक ये समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं तो आएगी, और खास करके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको जितना जल्दी सॉल्व किया जाए मुझे लगता है उतना अच्छा रहेगा व्यापारियों के लिए और सरकार दोनों के लिए। जिन्होंने वोट्स डालने हैं और जो उनके विचार हैं उनको जानना जरूरी है, तो एक एक करके आप बताइएगा, आप प्लीज अपने जहां बैठे हैं प्लीज खड़े हो जाइएगा ताकि कैमरास प्रॉपर फ्रेम बना सके। सर अपने आप पहले अपना नाम बताइए। भीखा भाई पटेल। आप करते क्या हैं? बिजनेस है हमारा। हाँ जी बिजनेस है, आप बताइए प्रश्न किसके लिए? नगर पालिका के कारोबारी चेयरमैन है। मैं अमर सिंह भाई को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 1.5 वर्ष सुधी हार्दिक भाई ने जो कांग्रेस है हिंदी में बोलिएगा, 1.5 साल तक हार्दिक भाई को कांग्रेस ने जो गोरिया गिलाई उसका रिजल्ट क्या मिला? अभी हमारे 14 हमारे पाटीदार के 9 युवान लड़के शहीद हुए, उसमें कांग्रेस को ही जस्ट मिलता, उस कांग्रेस को ही मिलता है। वो पटेल में ताजमहल होटल में क्या हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ। ताज हुआ होटल में क्या हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। ताज होटल में हार्दिक भाई मिलने गए थे, वही जानना है ना, वो किसी को भी मिल सकते हैं। वो अशोक गहलोत को मिलने गए थे और इसलिए गए थे कि भाई हमको मतलब पटेल समाज को आप अनामत देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए गए थे, और बाद क्योंकि 3 साल तक आपने नहीं दिया है।
और बाद में 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया वो तो ताज होटल के मीटिंग के बाद, वो जो चाहते हैं वो तो उनको मिलना चाहिए। एक प्रश्न और लेते हैं, इस प्रश्न का जवाब मिल गया, एक एक करके प्रश्न लेंगे। आप बताइए आपका नाम। राजेंद्र सिंह वाघेला। कमा भाई से मेरे 3-4 क्वेश्चन है। एक सेकंड सर, एक जना एक समय एक प्रश्न, ताकि ज्यादा से ज्यादा ले सके जी। और संक्षेप, आपने बोला कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। मैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ कि इसरो किसने बनाया, IIM किसने बनाया, फर्टिलाइजर की भी जितनी भी कंपनियां अभी गुजरात में है वो किसने बनाई, और नर्मदा डैम का जो मेन डैम का काम था वो बोल रहे थे आपकी GST में, आप ऐसे बोल रहे हैं कि गुजरात में GST लागू करने में कांग्रेस का भी हिस्सा है। तो हम भी बोलते हैं कि मेन केनाल का काम जो गुजरात में हुआ है उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। आप इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी भाई जी से बोलते हैं तो इसमें भी थोड़ा हमारा गुणगान गाया। धन्यवाद। हेलो सर, बताइए। मैं बताता हूँ, मैंने पहला बोला कि मैंने नहीं बोला है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, पहले साफ सुनो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गुजरात में शासन में आई, ये पहले नर्मदा का मुद्दा सुन लो, कितने मीटर की हाइट थी। माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को GMDC के ग्राउंड पर उपवास किस लिए बैठना पड़ा? आपकी सरकारें थी केंद्र में, सैफुद्दीन सोज वो जल संसाधन मंत्री थे, उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी को हाइट नहीं मिलती थी, इसलिए वहां बैठना पड़ा। एक गेट का जो हाइट था 70 मीटर का, किसकी सरकारों ने अभी तक नहीं दिया? जब नरेंद्र भाई शासन में आया तो 17 दिन में 70 मीटर का गेट ये लगाने की मंजूरी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई ने सरकार ने दी। हमारी सरकार की जो कामगिरी है उसकी बात करते हैं। ये आप बोलते हैं तो गुमराह करते हैं लोगों को कि IIM कहां से बना, GSFC कहां से बना। हम बोलते हैं भूतकाल की सरकारों में बना है। लेकिन ये सब ऑटोमोबाइल हब, जापान का जो डेट्रॉइट है ऐसा हमारा सानंद को बनाया गया। किसने बनाया सानंद को डेट्रॉइट? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई के वटपन वाली सरकार ने ही बनाया जी। धन्यवाद। अगला प्रश्न बताइए आपका नाम और अपने आप को। मेरा नाम विजय सिंह वाघेला है, सानंद नगर पालिका कांग्रेस का प्रमुख हूँ जी। कमा भाई ने बोला ये 2 किलोमीटर का रोड का बोला, मानते हैं बना दिया, लेकिन मैं उनको ये प्रश्न करता हूँ कि सानंद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का प्रश्न है, वो ट्रैफिक का प्रश्न 10 साल से है। 10 साल में यहाँ सानंद में नगर पालिका में BJP है, गुजरात में भी BJP है और केंद्र में BJP है। उन्होंने एक TP रोड था 6 किलोमीटर का, वो 6 किलोमीटर के रोड से अगर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे तो ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती थी। वो नहीं किया। लेकिन वो 6 किलोमीटर का रोड बनाने में अभी 4 साल हो गए। धन्यवाद, प्रश्न आपका आ गया, थैंक यू। अब सब जवाब ले लेते हैं। क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं है? अगर बनाना है 6 किलोमीटर का, 6 महीने में हो जाता है। शुक्रिया सर, आप रिप्लाई करें। विजय सिंह भाई हमारे सम्मान्य व्यक्ति है, भाई सम्मान्य व्यक्ति है, इसलिए बोलता हूँ कि जब ऐसी डिबेटें होती हैं तो मैंने बोला था पहले से कि ये रास्ता मंजूर हो गया है और TP का जो रोड काम शुरू हो गया है, काम पूरा हो गया है। लेकिन 6-7 जो फार्मर्स है उसने जो 9 ऑब्जेक्शन लिए हैं। चलो विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के आगेवान, शहर के आगेवान, हम साथ में जाके ये 6-7 खेडूतों को क्यों नहीं मनाते हैं? एक खेडूत का पजेशन नहीं मिलता है, इसलिए ये रास्ता रुका है। बाकी ये रास्ता रुकने का कोई कारण नहीं है, आप देख सकते हैं अभी भी छोटी मोटी गाड़ियां वहां विजय सिंह भाई चल रही है। एक इनका काउंटर जी बताइए। वो जो टिपिका रोड है वो औड़ा में से होता है, औड़ा में जो पजेशन लेते हैं रोड का सब खेडूत ने दे दिया, लेकिन जो फार्मर पजेशन नहीं देते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है? सामने उसको पजेशन मिलता नहीं है, पुलिस बुला के उनको देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पुलिस तो कांग्रेस की नीति है विजय सिंह भाई, वो पुलिस बुलाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो समझौते से ही करना चाहती है, इसलिए समझौते से ही करेंगे।
पुलिस भारतीय जनता पार्टी बल प्रयोग नहीं करेगी। चलिए अभी 1985 में आपने खेडूतों को दमन किया, इसलिए आप सत्ता से बाहर है। पुलिस लगे क्यों ले गया? आइए देखते हैं जमीन पर एक न्यूट्रल व्यू लेते हैं सर। ये यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। आपने क्या देखा, ये नोटबंदी जीएसटी जो बात हो रही थी, जमीन पर क्या हुआ, क्या दिक्कतें रही, अब कैसे देखा जाए? साल भर भी हो रहा है नोटबंदी को, अब छोटे लोगों को परेशानी हुई है जीएसटी के वजह से, छोटे व्यापारियों को भी अभी भी परेशानी रहती और हाँ। और नोटबंदी को कैसे देखा जाए जो साल भर पहले हुई थी और अब 8 तारीख को साल हो रहा है? नोटबंदी में लोगों को 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता। नोटबंदी में बहुत दिक्कत हुई थी, लोगों को पैसा समय से नहीं मिलता था, फार्मरों को अपना वो अनाज भी नहीं बेच सकते थे। धन्यवाद, आप बैठिए। कुछ और प्रश्न आप बताइए। हाँ, एक एक करके लेते हैं आराम से, बताइए आप। मेरा नाम गजेंद्र सिंह वाघेला है, सानंद नगर पालिका का मैं काउंसिलर हूँ। मैं कमाक भाई का जो जवाब दिया उसको काउंटर करना चाहता हूँ कि वो जो सानंद बावला रोड की बात कर रहे थे कि वो डामर है, वो चौमासे की सीजन में नहीं निकलता है, मान लिया, लेकिन ये रोड 6 महीने से खराब नहीं है, जनता जानती है, 4 साल से खराब है। और जो प्रोसेस है रोड बनाने की वो हम भी जानते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में इतना आपने टाइम क्यों लिया? आप प्रशासन में हैं, आप सरकार में हैं, आपके साथ सब कुछ है, फिर भी इतना टाइम क्यों लिया? और दूसरा बात मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जो जनता ने आशा वर्कर का जो क्वेश्चन था और नगर पालिका के जो कर्मचारी थी उसको 7वां पगार वेतन देने की फैसला किया, ऐसे बहुत सारे फैसले उन्होंने टाइम पे लिए, मेरे हिसाब से टाइम पे लिए, क्योंकि चुनाव सही टाइम होता है नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए। जो टाइम पे फैसला लिया तो आज तक उनको लटका के रखा और सही वक्त पर फैसला क्यों नहीं लिया? धन्यवाद। एक आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप बताइए। जी एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे। जी इन्होंने बताया, वैसे ये रोड पिछले 4 साल से खराब था, इसके बगैर भी तालुका में कई रोड ऐसे है कि पिछले 10 साल में बने नहीं है। यदि विकास दिखता है तो ये छिल्ले 2 महीने में जितने भी सरकार ने लानी कर दी है वो पहले आप अभी एयरपोर्ट का खात मुहूर्त किया गया है राजकोट में, जो धौलेरा में बन गया है क्या एयरपोर्ट, उधर बहुत ट्रैफिक है तो राजकोट में बनाना पड़ रहा है। जी आप इस पर रिएक्शन दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। जी आप बताइए। खात मुहूर्त किया है ना? किया है, खात मुहूर्त किया है। अपनी सरकार ने तो खात मुहूर्त भी नहीं किया था, हम जो खात मुहूर्त विचार भी नहीं आया था, विचार भी नहीं आया था। और हम जिसका खात मुहूर्त करता है, हम जिसका खात मुहूर्त करते हैं उसका ओपनिंग करते ही है। हमने मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बनवाया, हमने उसका काम शुरू कर दिया है। ओके, अब आइए एक और पहलू छूते हैं। हम सानंद में मौजूद है, ट्रेन लाएंगे तो सानंद की पहचान टाटा मोटर्स के नैनो प्रोजेक्ट से भी होती है। वेस्ट बंगाल से वो जहां आया यहां पर, तब से आप बताइए, आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर क्या बदलाव हुए हैं 2008-09 से लेकर, किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि ये एक तालुका जो कि एक छोटा तालुका था, शान तालुका, वो एक ऑटोमोबाइल का हब बन गया। यहां पर कई बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, उससे यहां की अर्थव्यवस्था, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे नौकरियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से उसमें चेंज हुआ है वो बता सके? 2009 में ये छोटा सा कस्बा था, आज आप देख लीजिए इस जगह पे जी टीवी के आ रही है, इससे बड़ा क्या अचीवमेंट होगा? नहीं, नहीं, कि जिस जगह पे जी टीवी को आके भी प्रोग्राम करना पड़ रहा, मतलब इट इटसेल्फ क्रिएट्स के सानंद के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है इंडस्ट्री को लेके। इनको मालूम नहीं 1991 में चिमन भाई की सरकार ने पूरे गुजरात के 149 तालुका में सब्सिडी दी थी, उसकी वजह से चांगोदर और सानंद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। अभी चिमन भाई कांग्रेस के थे, चिमन भाई कांग्रेस में आने के बाद ये सब्सिडी दी गई थी। एक मिनट, और आप प्लीज बैठिए आराम से। चिमन भाई कांग्रेस में थे, बात रखने दीजिए आराम से। हाँ, आप अपनी एक मिनट सर, नहीं तो अभी आया वो डेवलपमेंट पिछले 25 साल से है। ओके, मॉडर्न भी तब हुई है, निर्मा भी तब हुई है, सभी बड़े इंडस्ट्रीज उस समय भी आई है। नैनो नाम का भांजे आने से सानंद का विकास नहीं हुआ है। देखिए पूरे नैनो में 25% लोगों को भी स्थानीय को नौकरी पे रखते नहीं है, हमारे बड़े भाई में रखते नहीं है, हमारे बड़े भाई जैसे हैं एडवोकेट साहब है, नैनो को भांजा बोलना नहीं चाहिए। क्या बोले? मैं नैनो को भांजा नहीं बोलना चाहिए, ये सारे गुजरात में, सारे गुजरात में इतनी बड़ी इंडस्ट्री जीआईडीसी इंडस्ट्री हुई ही नहीं है। मैंने पहला बोला ना कि जापान का जो डेट्रॉइट है
ऐसा डेट्रोइट सानंद बनने जा रहा है। अब इसे इन्होंने बनाया एक सेकंड सर, ये इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। नोएडा की बात तो हम करते नहीं है सर, नोएडा की बात तो हम करते ही नहीं है सर। नोएडा बनवाया था अपनी सरकारों ने भले बनवाया, लेकिन आई गुजरात में नरेंद्र भाई ने बनवाया तो आपको क्यों चौंकाती है? सर लेकिन लोगों को, स्थानिक लोगों को रोजगारी दी जाए, लोगों को रोजगारी मिलती है। आप बताइए ये इंडस्ट्री जो कॉरिडोर है इसको आप कैसे देखेंगे, जो यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको जब हम तुलना दूसरे वहां से करते हैं जो और अथॉरिटीज रहती हैं और जो वो देती हैं यहाँ पर, और फिर इसको इंटरनेशनली, तो कहाँ इसको पाते हैं, कहाँ सानंद किस तरह से इसको सुविधा आप देखेंगे? 2009 में सानंद आया, मैं किसी सरकार न तो मैं बीजेपी का न मैं कांग्रेस का हूँ। 2009 की स्थिति मैंने सानंद में देखी हुई है, छोटा रास्ता था, छोटी जगह हुआ करती थी। एक इंडस्ट्री आने से सिटी में बहुत बड़ा फर्क आया है, और उस फर्क से आप खुद देख पाएंगे कि आज उस एरिया में आप जाते हो, एक टाटा नैनो नहीं, आज वहां पे फोर्ड आ गया, कोलगेट आ गया। और एक इंडस्ट्री जब आती है ना, आम आदमी को उससे फायदा मिलता ही है, क्योंकि उसके पीछे इंश्योरेंस भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। सर आप बताइए, एक बड़ा मुद्दा ये भी उठ रहा है कि जो तमाम योजनाएं रही, जॉब क्रिएशन कितनी हुई और न्यू जॉब क्रिएशन, और नोटबंदी जीएसटी की जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, उसमें यह भी हो रहा है कि जॉब लॉसेस भी हुई, नौकरियां क्रिएट होने की जगह गई भी, इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि नौजवान जो है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, वो भी बड़े वोटर्स हैं और उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो इसको कैसे देखना चाहिए? गुजरात वैसे भी पहले से बिजनेस स्टेट रहा है, और गुजरात में जो भी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की सरकार हो, सभी सरकारों का फोकस जो है वो दो चीज़ों पर रहा है, एक तो जॉब क्रिएशन और दूसरा जो है वो स्वरोजगारी, यानी जो बच्चे काम करके बाहर निकलते हैं पढ़ाई करके, वो खुद अपने बलबूते पर कुछ काम कर सके। जहाँ तक इंडस्ट्रियल बेल्ट का सवाल है, आप देखेंगे साउथ गुजरात में जो गोल्डन कॉरिडोर है वापी का, वहाँ से लेके पूरे गुजरात, दक्षिण गुजरात पूरा और गुजरात का ये भाग, सौराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा जो है वो ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हुआ है, और ये पिछले 20, 25, 30 सालों में ये पूरा एक्टिविटी जो है हुई है, उसकी वजह से जॉब क्रिएशन भी हुआ है। अब मैं उसका एग्जैक्ट फिगर तो आपको अभी नहीं बता पाऊंगा कि कितने जॉब कितने लोगों को मिले हैं, पर जॉब क्रिएशन डेफिनेटली हुआ है। और स्वरोजगारी का जो मामला है, जो सभी सरकारें कहती आई हैं कि बच्चे जो हैं स्वरोजगारी की ओर भी बढ़े, तो सर्विस इंडस्ट्री जो है उसको भी काफी बढ़ावा उसकी वजह से मिला। राइट, आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं अब। जी आप बताइए, आप यंग ब्रिगेड को आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए क्या आपका इशू है? सर ने अभी बोला कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है गुजरात में, मैं अभी आपको हमारा श्रम मंत्रालय गुजरात सरकार का अभी आपको निकाल के देख सकते, आप देख सकते हैं कि 30 लाख, मोर देन 30 लाख शिक्षित बेकार है गुजरात में। और 2010 अक्टूबर 2010 में तब के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने एक परिपत्र बाहर रखा था कि 85% ब्लू कॉलर जॉब और 60% वाइट कॉलर जॉब सबको मिले, जो वहाँ के रीजनल है उनको, आज तक वो फॉलो नहीं होता है। फॉलोअर्स के पांच लोगों की कमिटी बनाई थी, वो भी कोई फॉलो नहीं करते, और उसमें से नैनो को उसमें से एग्जेम्पशन दिया हुआ है। धन्यवाद, बताइए आप। ये रोजगारी की जो बात करते हैं, तो ये बॉल के कुछ लोगों हमारे सामने बैठे हैं, सियावाड़ा के कुछ लोग हमारे सामने बैठे हैं, ये बॉल में अभी जाके देख लो, ये गारमेंट की दुकान वाले, सब्जी मंडी की लॉरी वाले, ये दूध मलाई की लॉरी वाले, यानी हर एक बिजनेस ये कितना बड़ा है, वो आप जी न्यूज़ चैनल के माध्यम से वहाँ जाके देख लो। दूसरा, हर फैक्ट्री से उसमें हम बोलते हैं कि कौशल्य के माध्यम से हर युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को, गुजरात का युवाओं को रोजगारी मिल ही रही है। ये चांगोदर पट्टी के जो हमारे युवाएं हैं, हम बोलते हैं कि ये होंडा बाइक लेके ये हर फैक्ट्रिया में रोजगारी के लिए जाते हैं, नैनो में जाते हैं, फोर्ड में जाते हैं, कोलगेट में जाते हैं, बॉस कंपनी में भी जाते हैं। हर युवाओं को अपने कौशल्य के माध्यम से रोजगारी मिल ही रही है। जी जी बताइए। मेरा नाम अजय जोशी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कमा भाई से कि कोई इंडस्ट्री आती है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए, और दूसरी बात
स्थानिक लोगों को रोजगारी मिलनी चाहिए। मैं कमा भाई से ये प्रश्न करता हूँ कि सरकार को नैनो के आने से कितना रेवेन्यू मिला और सानंद तहसील के लोगों को और खास करके जिन लोगों की जमीन गई है नैनो बनाने में उन इस गांव के लोगों कितने लोगों को रोजगार मिला, मेरा ये प्रश्न है। थैंक यू। बैठिए आप। नैनो में जिसकी जमीनें गई हैं उसको पूरा वल्तर मिला है। नैनो में जो गांव आते हैं, जो गांव के युवाओं, मैंने पहले बोला कि कौशल्य के माध्यम से उसको रोजगारी मिल ही रही है। और मेरा तीसरा जवाब है आपको कि रेवेन्यू जनरेट का ये फिगर तो सरकार में जाता है, मेरे पास अभी फिगर है नहीं, लेकिन रेवेन्यू जनरेट हुई है इसलिए गांव इनका विकास हुआ है। रेवेन्यू जनरेट की शेष रकम वो ग्रामीण क्षेत्रों में देहाती विस्तार में अभी पूरी की पूरी सरकार बांट रही है। आप बॉल जाके देख लो, आप सियावाड़ा जाके देख लो, आप चरल जाके देख लो, आप खोरज में जाके देख लो। ये 20 साल पहले का एक खोरज सियावाड़ा चरल का था और अभी क्या है, उसकी समस्याएं क्या थी, गोकुलपुरा गांव देख लो, ये सबकी समस्याएं क्या थी और अब क्या है, वो आपको जोशी साहब सामाजिक कार्यकर्ता के दायित्व से वहां जाके वो देखना पड़ेगा। अब हमारे धान के बाजार में मंडी में हमारे धान की कीमत अभी 1200 रुपया प्रति क्विंटल आती है, सरकार ने भाव रखा है 1550 रुपये, तो सरकार क्यों नहीं देती है खेडू को भाव, खेडू को कोई सोचती नहीं है, कुछ बात भी नहीं करते। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय भाई के नेतृत्व वाली सरकार ने ये जो टेके का भाव बोल रहे हैं वो किया ही है। मंडी बाजार में वो टेके के भाव से ही खरीद जाती है, लेकिन जो आक्षेप है वो उसमें कोई तथ्य होगा तो हम तपास करवाएंगे। मैंने आपको सुन लिया, आप मुझे सुनो। जो चेक की बात है वो बैंक की बात है, बैंक में हर किसानों को चेक का ही पैसा मिलता है और मैं पर्सनल माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को फॉलो करता हूं कि हमारे भी ये पैसों को चेक से ही लेना चाहिए, क्योंकि सानंद की बाजार में अभी तक कितने गरीब किसानों का ये कई सालों से खिसा कातरू यानी चोर लोगों ने खिसा काट दिया। ये रोकड़े ये एक कैश पेमेंट की बात में नहीं आना चाहिए, ये चेक से ही पैसा लेना चाहिए, वो अर्थतंत्र की असली सिस्टम है। ओके, आप बता सके नोटबंदी को लेकर आप 8 तारीख को सर अच्छा ये बताइए, एक मिनट, ये आखिरी प्रश्न हम लेने वाले हैं। नोटबंदी को लेकर 8 तारीख को आप लोग काला दिन बना रहे हैं, नोटबंदी को लेकर आपने पहले भी इशू बनाया था और नोटबंदी के बाद यूपी में चुनाव हुए थे उसके आपने रिजल्ट देखे, नोटबंदी को लेकर आप कैसे ग्राउंड जो हकीकत उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? नोटबंदी के पहले उसको 44 लोकसभा के सांसद मिले थे, अब गुजरात में नोटबंदी के बाद इलेक्शन आया है तो वो 44 ही मिलेगा। ओके, ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, आपका लास्ट वर्ड, समय बिल्कुल सीमित है, बताइए। उत्तर प्रदेश की चुनाव नोटबंदी के बाद तुरंत आई थी, तब पब्लिक को ये मालूम नहीं था कि ऐसी ऐसी परेशानियां होगी, ये तो बता रही थी कि काला धन आएगा आपके खाते में 15 लाख आएगा, तो लोगों ने सोचा एक बार ले लो, वो अब गुजरात में पता चल जाएगा। आपकी सोच है, नोटबंदी की सोच है, सभी आंदोलनों का पता गुजरात में चल जाएगा। कुछ अमरसिंह भाई, वो आपकी सोच है, 18 दिसंबर देख लेना, गरीब महिला को जनता इसका जवाब देगी। गरीब महिला को गैस का कनेक्शन मिला है, विधवा महिला को पेंशन मिला है, विधवा महिला को पेंशन मिला है, वो भी कांग्रेस में देते थे, ब्याज सब्सिडी मिली है, ये 15 लाख की किसी ने बात नहीं की है, 15 लाख की एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं सर, आप बता सके इंडस्ट्री की तरफ से बोला कि राजकीय झूला है, बात कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी वो गलत बात कर रहे हैं जी, चलिए इंडस्ट्री का लास्ट वर्ड और फिर हम आपके पास आएंगे, आप बता सके आपका फाइनल वर्ड क्या है? इंडस्ट्री रेडी है, इंडस्ट्री समझ के वोट करेगी, इंडस्ट्री को खाली विकास चाहिए, इंडस्ट्री आम जनता यही चाहती है कि हमारा अच्छा हो और हम आगे बढ़े बस। ओके, लास्ट वर्ड सर आपका, इसका पूरा आपका संक्षेप में किस तरह से आप इसको बताना चाहेंगे चलते चलते इलेक्शंस को लेकर, जो मूड आप देख रहे हैं, जो आपने विचार सुने, आपका फाइनल इस पर एनालिसिस। हाँ, चूंकि ये बात ठीक है कि पिछले 22 साल से बीजेपी सत्ता में है तो वो भी सत्ता में वापस आना चाहेगी और कांग्रेस हो
है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो बीजेपी को हटाकर सत्ता में आए, उसके लिए दोनों भरसक प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, बीजेपी जो है वो विकास का नैरेटिव छोड़ना नहीं चाहती, और कांग्रेस जो है वो भी कोशिश कर रही है कि जहाँ कहीं पर भी बीजेपी जो है वो वीक हुई है उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। यानी हम कह सकते हैं कि मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प है। जी, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आने वाले दिनों में काफ़ी हलचल होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट वर्ड सर बताइए, बिल्कुल ब्रीफ में। बहन ने बोला कि हार्दिक जी बैग में क्या लेके आए थे, जो लोग बैग में लेके आए थे वो टीवी पे बता दिया कि 10 लाख दिया, 90 लाख कल देने वाले हैं, उसकी चिंता करो। रात को 2 बजे इतनी छोटी बैग में वो पैसा लेने जाए ऐसा युवा नहीं है। अमर सिंह की प्रामाणिकता पे शंका मत करो, आज बीजेपी के टेका में नहीं है इसलिए शंका कर रहे हैं। सर, दूसरे वो समाज के लिए लड़ रहा है, किसी पक्ष के लिए नहीं लड़ रहा है। दूसरे दिन वही नरेंद्र पटेल ने बोला था, कांग्रेस अध्यक्ष कीर्ति सिंह झाला ने उसको नहीं दिया, वो भी आपके सामने है ऑडियो, नहीं था। सर, किसानों की जब बात 1-2 मिनट सुन लीजिए, किसानों के उत्पादन का उनको भाव नहीं मिल रहा है। किसान जब माल बेचने जाते हैं तो उनको 8-10 दिन के बाद का चेक मिल रहा है। किसानों को पानी जब चाहिए तो पिछले वाले गांव में पानी नहीं मिल रहा है। मिल रहा आज है। भी आज मिल भी रहा है। मैं बात करवा सकता हूँ, हम बोलते हैं, मैं बात करवा सकता हूँ के साथ बोल मैं रहे बात करवा सकता हूँ। तीन तीन फसल जादापुर के किसानों में आप जाइए, अनियारी में आप जाइए, अनियारी में आप जाइए, अनियारी का बंद, मनारिया का बंद, ददुका का बंद, रेथल का बंद, वो सब अभी पानी पानी है। ये जो नर सरोवर के लोग बैठे हैं इधर, उनको पूछो, आपने आपने किसानों को आपने किसानों को गलती से आपने गलती से आंदोलन करवाया था। जब भाई एक मिनट जो बीमा दिया गया है, आप लास्ट सर संक्षेप में कहिए प्लीज बैठिए। हाँ, खेतियों को बीमा दिया गया है, वो कुछ गांवों को दिया, कुछ गांवों को नहीं दिया। आपने भी अपना पक्ष रख लिया, आपने भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी शुक्रिया। इसमें हिस्सा लेने के लिए एक खेडूत लाए हैं, एक एक भाव की बात बोल रहे हैं, आप जी टीवी में प्रसारित करो, ये भाव कितना डांगर का बिला है, ये एक ही लोगों की बात नहीं है, ये सैंपल नहीं है। इसी नोट पर आप सभी का शुक्रिया और माननीय सभी का धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई के सर, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया, धन्यवाद। आपने सबने अपनी बातें रखी, तो ये थी हमारी खास पेशकश सानंद से।